हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल लाइव चैनल में और मैं अमित कुमार केसरी। तो आइए देखते हैं लाइव विजुअल के साथ में फुल एक्सप्लेनेशन। हाँ, थोड़ा सा ट्राली के बारे में बताइए डिटेल्स में। ये है क्लोजर ट्रिपिंग कॉइल। अच्छा, ट्रिपिंग कॉइल है वो जो हाथ में अगर किसी टाइम जरूरत पड़ती है तो आप ट्रिप करवा सकते हैं। देखिए ये है क्या कहते हैं, ट्रिपिंग कॉइल। ट्रिपिंग कॉइल इमरजेंसी ट्रिपिंग कॉइल है। अगर बाय जो आपत स्थिति पे अगर ट्रिपिंग नहीं होता है तो आप मैनुअली इसको ट्रिपिंग करवा सकते हैं। ठीक है। और है रिटर्निंग ट्रिपिंग कॉइल, इसका मतलब होता है कि अगर कहीं अर्ध फॉल्ट ये मतलब क्लोजिंग कॉइल जो है क्लोजिंग कॉइल है, ये ट्रिपिंग कॉइल है। हाँ, ठीक है। मान लीजिए अगर कहीं भी टच होता है या कोई ब्रेक डाउन आता है तो इससे जैसे अर्थ फॉल्ट आएगा तुरंत ये सिस्टम को ट्रिप करा देगा। ठीक है, ठीक है। और ये मैनुअल हैंडल चार्जिंग और ये सेल्फ चार्जिंग। ये मतलब मोटर लगा है जो कि सेल्फ चार्ज होता है एसी सप्लाई की मदद से। एसी सप्लाई से या कन्वर्ट होकर एसी बाय डीसी सप्लाई से 115 एम्पीयर पर चार्ज हो जाता है। ठीक है। और इससे आगे तो आप जानते ही हैं साहब। देखिए अभी स्प्रिंग चार्ज हो गया, स्प्रिंग चार्ज हो गया। अभी देखिए इमरजेंसी है ट्रिपिंग। ठीक है, ट्रिप हो गया। और ये है इमरजेंसी, क्या कहते हैं, इमरजेंसी ट्रिपिंग कॉइल। ठीक है। मतलब ये ट्रॉली मैकेनिज्म का पूरा ये सब है, सिस्टम है। अब भैया ये है अपना ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट जिससे अपना डीसी सप्लाई बीसीबी पैनल से जुड़ता है। ये देखिए ट्रॉली के पीछे का हिस्सा जिसमें फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट लगे हुए हैं। ये है मूविंग कॉन्टेक्ट, ये है फिक्स्ड कॉन्टेक्ट। ये है अपना वैक्यूम बोतल। ट्रॉली सही है, टाइमिंग घटा दी है। ठीक है। चार्ज होता तो अभी चार्ज है। अभी ऑफ हो गया। इसको लगा दीजिए एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये ऐसे मूव करके ट्रॉली को हम लोग अंदर करते हैं। हाँ, देखिए अभी अपना सर्विस पोजीशन पे। हाँ देखिए, चला गया सर्विस पोजीशन पे, यानी कि ट्रॉली अपना प्रॉपर अंदर हो गया है। बोल रहा है ये, फिर क्या बोला, डीसी सप्लाई प्रॉपर नहीं है क्या? बैटरी डिस्चार्ज होगा। हाँ अच्छा, हाँ बंद था ना तो? सप्लाई भी बंद था। चलिए अब आइसोलेटर को लगाना है और लाइन को अपना सुचारू रूप से चालू करना है। आइसोलेटर इसका खुला है। चलिए अब इसका आइसोलेटर कभी लगा दिया जाए? नहीं। का है
विदाउट इंसुलेटर पहले चेक करिए, हाँ, फिर उसके बाद जब एक बार होल्ड हो जाए, हाँ, तब इंसुलेटर लगाइए। चलिए ठीक है, ओके। चलिए अब आप अपना टीपीएमओ को चालू करें, वो लगाइए। आइए एस एस ओ साहब ना, डबल एस ओ साहब। सब स्टेशन ऑपरेटर एस एस ओ, क्या कमी है तेल में? WTI OTI साहब दोनों बराबर बता रहे हैं, मतलब तेल कम है। अरे तो ये खराब भी तो हो सकता है। अगर सर देखिए, WTI और OTI, ऑयल टेम्परेचर मीटर, क्वांडिंग टेम्परेचर मीटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, कैमरा लगा के, हाँ, अगर जब भी WTI OTI अगर दोनों सेम 30x30 और 60x60 अगर रहता है, हाँ, तो समझ लीजिए कि हीटिंग टेम्परेचर जो है वो हद से ज्यादा यानी ओवर जा रहा है। अच्छा। तो उस लिहाज में जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर तेल की लोकेशन होती है उसको ट्रेस करना चाहिए। अगर तेल कम होता है, हाँ, तो ट्रांसफार्मर में तेल डालना चाहिए, फिल करना चाहिए। ये अपना है OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और ये अपना WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। चलिए, हाँ हाँ, लगाइए लगाइए उसका आइसोलेटर लगाइए। हाँ लगाइए, सब कुछ हट गया है ना। चलिए लग गया, ट्रांसफार्मर अपना ऑन हो गया। हाँ ऑन कीजिए उसको, बड़ा डरना समझ क्या बात है। इलेक्ट्रिकल लाइव, यहाँ पर आपको मिलेगा लाइव विजुअल के साथ में फुल एक्सप्लेनेशन, इसलिए हमारे चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। देखते रहिएगा, देख रहे हैं ना, ओके है, अब लगा छोड़ लगा दे। ठीक है, ठीक है ना, पीछे देखिए समझ रहा है, देखिए पीछे तो कुछ संतरा नहीं है, नहीं नहीं बढ़िया है, ठीक है, चलिए ओके साहब। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।